प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। निर्मला, निर्मला इधर आओ। जी जी आई। धोने ना मतवारे तिहारे, हम पर जुलम करे। देखो हम तुम्हारे लिए नया रिकॉर्ड लाए हैं, KL सहगल का, सुनो। ये देखिए, ये क्या है? नया कॉलर चढ़ा है। नया कॉलर? इससे क्या होगा भाई? अरे कॉलर खराब नहीं होगा, इसे तो उतार के धोया भी जा सकता है। हमारे बाबूजी तो चार चार बनवा के रख देते थे। अच्छा नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे तुम कहाँ चली? जी तुम यहाँ बैठो हमारे पास। ये कॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा ये रिकॉर्ड है, सुनो। सुनिए अभी तो हमें बैठो। धोने ना मतवारे तिहारे, हम पर जुलम करे। ओ, क्या हो गया इसे? मतवारे तिहारे हम पर जुलम करे। ओ, रिकॉर्ड को क्या हो जाता है बार बार? चाबी का क्या हो रहा है? एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने। तुमने अपने गहने क्यों उतार दिए? जी घर के कामकाज में उलझते हैं, कहीं आना जाना होगा तो पहन लूंगी। लेकिन गहनों में तुम बहुत अच्छी दिखती हो निर्मला। ओ, झाड़ू पहुंचा करने वाली मेहरी तो आती है ना? जी लेकिन अब क्या जरूरत है उसकी, निकाल लो। अरे नहीं भाई, आने दो उसे, काम काज में तुम्हारा हाथ ही बटाएगी। अच्छा बिस्तर के लिए कुछ खेस लाने हैं, हाँ, और खिड़की दरवाजों के पर्दे भी। तो मंगवा लो। मंगवाऊंगी किससे? खुद ही बाजार से ले आऊंगी। तुम अकेली जाओगी? क्यों, अपने घर क्या नहीं जाया करती थी? किसी को अपने साथ ले जाना, और देखो बाजार में अपने गहने पहन कर जाना, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमने तुम्हारे गहने उतार लिए। आप ही ने तो दिए थे। अच्छा जब मनसाराम आ जाएंगे स्कूल से तो उनके साथ चली जाऊंगी। हाँ ठीक।
और पैसे? पैसे रुक्मिणी से ले लेना, वही खजाना देखती है ना। जी। मैं चलूं? बहू जी, ये 30 रुपए रखे हैं, जो बाजार से लाना हो ले आना। 30 रुपए में क्या आएगा जीजी? नहीं मतलब पर्दे लाने हैं और फिर उसकी सिलवाई भी तो करनी होगी ना। अरे तो कौन से मखमल के पर्दे लगाने हैं तूने? छेछी लगेगी ना। अरे नहीं नहीं बहुत महंगा कह रही हो। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बीबी। सुनो क्या है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। जलेबी ले ले जी आराम के लिए, खुश हो जाएंगे। वो क्यों, हम भी खुश हो जाएंगे। अच्छा दो पाव तोड़ लो भैया। गरम वाली? गरम है। है ना? आराम से बचा कर रखना, वरना अकेला ही खा जाएगा। अरे नहीं नहीं, सब में बांट के। कहाँ हो? हमें क्यों ना लेकर गई माँ, हम भी बाजार घूम कर आते। पर आपकी चीजें तो हम ले आए। वो क्या? वो क्या? जलेबियाँ। अरे पहले हाथ धो, फिर ये प्लेट में निकालो और सब में बांटो, फिर खाओ। और हमारे लिए? आपके लिए भी है। ये बल्ला और और ये नई तख्ती। और फिर कभी तख्ती से क्रिकेट मत खेलना, फिर से अगर तोड़ लाओगे तो जानोगे। और आप नंगे पांव क्यों घूम रहे हैं? चप्पल कहाँ है आपके? और क्या है? और क्या है? और ये देखो। अच्छा माँ, मैं अपना होमवर्क कर लूँ। अच्छा ठीक है, बाकी भी कुछ कुछ है, वो जब देखोगे तो जानोगे। शाबाश शाबाश। ये एक आपका, एक
तुम ये चादरें वगैरह तो ले आई, साथ में खिड़की के पर्दे भी ले आती। जी वो पैसे कम पड़ गए, अगली बार ले आएंगे। कम कैसे पड़ गए, रुक्मिणी ने दिए नहीं थे क्या? दिए तो काफी थे, अब वो गेंद बल्ला बस्ता मिठाई उस सब में उड़ा दी। क्या जरूरत थी वो सब लाने की? अब बच्चों की जरूरतें भी तो हैं जीजी। अब जी आ रहा हूँ, जो बैग ले जाते हैं वो क्या स्कूल ले जाने लायक है? सब्जी तरकारी का थैला लगता है, आगे पीछे भी देखना पड़ता है बहू। घर तो आखिर मुझे को चलाना है, कल अगर पैसे न रहे तो? न रहे तो का मतलब क्या? मैं कमाता नहीं हूँ। जो कमाते हो बउवा अलमारी में रखे, जाके देख लो। तुम ऐसा करो, ये चाबियां निर्मला को दे दो, आज से यही देख रेख करेगी घर की। ये क्या कर रहे हो? जीजी का घर है, वही देखती है और वही देख। घर किसी का नहीं, घर मेरा है और अब तुम्हारा है, और मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये लो, संभालो अपना घर। कल ये मत सुना देना कि तुम घर में थी, सलाह नहीं दी। अरे आप कुछ सुनिए जी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जी जी नाराज हो जाएंगे तो जाए अपने घर। मैं उसे गांव से यही जानकर लाया था कि विधवा है, सहारा हो जाएगा। तुम ये चाबियां संभालो और मैं चलता हूं, मुझे कचहरी को देर हो रही है। अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी तो मजा आ गया माँ, एक जेब हमें भी लगा तो सामने, हम भी बाबूजी की तरह फाउंटेन पेन लगाएंगे। अच्छा, पहले फाउंटेन पेन आने दो, फिर जेब भी लगा देंगे। मनसाराम जाओ जरा भैया को बुला लो, तीन बार बुला चुकी हूँ। भैया कहते उन्हें फुर्सत नहीं, अरे अंग्रेजी में ऐसे लिखते है। ठीक है, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। वुड फॉर द हाउसेज एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच ग्रीन जंगल्स। द जंगल्स प्रोवाइड फ्रूट फॉर द पीपल, वुड फॉर द हाउसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हो, मुझे सिखा दो। आपको तो इंग्लिश आती है ना? अरे नहीं, बस यही सब्जेक्ट कमजोर था स्कूल में। तुम मुझे अंग्रेजी सिखा दो तो मैं तुम्हारा ये होमवर्क कर लिया करूंगी। और पढ़ाने की फीस कितनी मिलेगी? अच्छा ये देखो, हर महीने नया कुर्ता बना के दूंगी। आपने ये खुद सिया है माँ? और क्या। हुँ। हुँ।
कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप तो एकदम टेलर मास्टर हो गई। अच्छा तो मेरी कुर्ते की फीस? फीस? हाँ, इंग्लिश पढ़ाने में बराबर हो गई। अरे देखा आपने, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, और सुनिए, आज से मनसारा मेरे अंग्रेजी के मास्टर और मैं उनकी टेलर मास्टर। अब चलो भी, चल के नाश्ता पानी दो। जी बस बस अभी आई। सुनो, जल्दी से उतारो, चलो कल तक तैयार हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज तो जल्दी कचहरी निपटा दी। यही थोड़ी थकान हो गई थी तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे यहाँ चल करके चाय पी जाए। ओ नहीं, वैसे भी कितना आते हो हमारे दफ्तर में आजकल है। मंडू दो चाय ले क्या? होता है भाई, होता है। नहीं नहीं, बीबी है वो भी कमसिन है। कचहरी में किसका मन लगेगा। देखो भैया, दूसरा ब्याह तो समझो जरूरत थी, वरना छोटे छोटे तीन बेटों को कौन संभालता। लेकिन ये जो कमसिन की कही तो वो तो उलझन वाली बात हो गई यार। वो कैसे भाई? अरे एक और नाबालिग लड़की को पालना पड़ेगा यार। ननसुख ना तो मुझसे खेल सकती है ना ही खुल सकती है। अरे कैसे खुलेगी भाई, घूमने घुमाने ले जाते हो उसे। हाँ अरे भैया, कभी घूमने घुमाने ले जाओ उसे, सैर सपाटे के लिए ले गए हो कभी? हाँ चाय पियो। बात तो तूने ठीक कही ना सुख, इसलिए तुम्हारी वकालत हमसे ज्यादा अच्छी चलती है। निर्मला कहाँ है, क्या कर रही है? बुढ़ापे में तोता राम घिसपिट सीखने लगा है। क्या बक रही हो? तुझे नहीं कह रही हूँ, उसके कह रही हूँ जिसे तू पाठशाला से उठाकर इस घर में ले आया। देख जाकर देख। ये क्या लिखा आपने? अच्छा अच्छा बताइए कि ये मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है आपने? आई के, अरे क्या पढ़ो पढ़ो। क्या हो रहा है? इसीलिए आप इंग्लिश में कमजोर थी। देखिए बाबूजी, माँ ने क्या लिखा है? क्या ये आई के पी टी जी बी बी? आई के पी टी नहीं, बी बी जी टी पी। क्या है, क्या है ये भाई? माँ को अंग्रेजी पढ़ा रहा था और अब मुझे लगता है कि मैं अपनी अंग्रेजी भी भूल गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मैं अंग्रेजी में क्या जवाब दूंगी? ये कि आई एम कमिंग या सिर्फ कमिंग? नहीं, मैं लिख के बताती हूँ। तुम मत बताना। अच्छा, आप बताइए क्या लिख। आई जी आई। हाँ आई जी आई। आओ यहाँ पढ़ो। मेरा पेन दो। क्यों बताया? अच्छा जाओ अपने कमरे में जाओ और पढ़ो। लाइए लाइए। अच्छा निर्मला जी, एक बात बताओ, तुम्हें थिएटर देखना कैसा लगता है? कभी गई हो? हाँ बाबूजी के साथ जाया करती थी। तो ठीक है,
आज हम तुम्हें थिएटर दिखाने ले चलते हैं। ये देखो, मैंने थिएटर के 2 टिकट भी खरीदे हैं। चलो तैयार हो जाओ। अरे लेकिन आपने पहले नहीं बताया, मैंने तो खाना भी नहीं पकाया। अरे तो क्या हुआ, हम रुक्मिणी से कह देंगे, वो खाना वाना सब पका लेगी। तुम भी कमाल हो रुक्मिणी, तुम्हारा तो नाम लो और तुम फौरन टपक पड़ती हो। ऐसा लगता है जैसे खिड़की के पीछे ही खड़ी थी। नहीं, मैं तो ये कपड़े रखने आई थी। अच्छा देखो, मैं और निर्मला थिएटर देखने जा रहे हैं, तुम बच्चों को खाना खिला देना और हमारे लिए खाना बना कर रख लेना, हम आकर खा लेंगे। चलो तैयार हो जाओ। चली जाऊं जी? जी अब तोता रंग कह रहा है तो। अरे हाँ भाई, मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ तैयार हो जाओ। चलो 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 चलो। पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को। तुम भी कमाल की लड़की हो निर्मला। अरे भाई वो तो थिएटर था, वहाँ भी तुम रोने लगे। जी हाँ, मेरा ना गया। तुम रुक्मिणी को जगा लो, वो रसोई गर्म कर देगी। नहीं नहीं, उन्हें मत जगाइए, आप चल के कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। लगता है मनसाराम बत्ती जलती रख के ही सो गए। तुम भी आ जाओ जी, साथ ही में बैठ के खा लो। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, मनसाराम ने भी नहीं खाया, अभी तक पढ़ रहे हैं, उन्हें खिला दूं। La 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 la